अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो मैं दरअसल यहाँ पर अगले दिन गुजर रहा था यहाँ पर, तो मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं अलबेक लिखा हुआ था। मैं यहाँ से गुजरा तो मैंने सोचा कि एक बार चल के टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है, और अलबेक पाकिस्तान का और अलबेक सऊदीया में क्या डिफरेंट है। मैं सऊदीया गया हुआ था, वहाँ पर मैंने अलबेक ट्राई किया था, और यहाँ पे अलबेग देखते हैं कि कैसा है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ओके, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई ऑर्डर दे दिया है मैंने, तो पीस तैयार हो रहे हैं। और ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं दिया मैंने, क्योंकि चेक करना है। चेक करने के लिए यहाँ पर आया था, तो मैं सबसे पहले मैंने छोटा सा ऑर्डर दिया है, चेक करते हैं। One hour later. Two hours later. Was it her? Nay. यार इस पे भी जाना था, लेकिन उसके टेस्ट ने खराब कर दिया काम। अब इस पर नहीं जा सकते। काम कर जाके बहुत ही बकवास था यार। खराब हो खाने के बाद अभी घर के जो है ना चावल बने हुए थे, तो आपको पता है उसका टेस्ट तो अच्छा नहीं था। ये खाते हैं, इसका अच्छा है यार, इसका अच्छा है। तो यार 700 रुपये का पड़ गया, बल्कि 750 रुपये का नुकसान हो गया है। मुझे लगा कि अच्छा टेस्ट होगा, तो इसलिए मैं चला गया था, क्योंकि सऊदीया में तो मैंने खाया था, वहाँ का तो अच्छा टेस्ट था। इसलिए बड़े कहते हैं नाम पे नहीं जाना चाहिए कभी भी, क्वालिटी अपनी होती है हर किसी की, तो नाम पे कभी भी मत जाना चाहिए। अगर कोई नाम रख दे कुछ भी, आज के बाद मैं किसी का नाम लेकर नहीं जाऊँगा, उसको क्वालिटी होना चाहिए, फिर जाऊँगा इंशाल्लाह। तो बिल्कुल ही बकवास था। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नुकसान हो गया कोई बात नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।